3 अवार्ड्स एट वन डे, टेल अस अबाउट इट. या थैंक यू फॉर ऑल मीडिया. ये हमारा सेकेंड सीजन है आरवी एंटरटेनमेंट में. कुछ नया करने का हमने सोचा. लास्ट सीजन हमने किया था फर्स्ट सीजन, तो सुपर मॉम अवार्ड. चलिए पहले अपन फेलिसिटेट सबको करते हैं. सेलिब्रिटी सब जगह दिखते हैं, उनके मॉम्स कहीं नहीं दिखते थे, इसलिए हमने बोला उनके मॉम्स को फेलिसिटेट करना है ना. वी आर वेरी हैप्पी कि मदर्स डे पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और आप सब मीडिया पर्सन यहाँ पे आए. अवार्डीज एंड सेलिब्रिटीज, थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर कमिंग. मैंने इनको बताया नहीं है कि अवार्ड इनके लिए है, तो ये अवार्ड आपके लिए है, आपको मिलने वाला है, तो ये सरप्राइज है इनके लिए, अभी पता चल रहा है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज स्पेसिफिकली जो मॉम्स होती हैं वो बहुत कुछ करती हैं अपने बच्चों के लिए, और उनको रिकग्नाइज करना, उनको रिकग्निशन देना वो बहुत बड़ी बात होती है, स्पेसिफिकली ऑन मदर्स डे. सो आई एम सुपर हैप्पी टू बी हियर विद हर. थैंक यू. आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि ये आज आपका दिन है, वैसे तो माँ का हर दिन है, हर दिन आज का स्पेसिफिक मैं जानना चाहूंगा कि मानिया ने जो इतने अच्छे अच्छे लोगों को मिली है और बहुत प्राउड फील कराया है एज अ मदर, आपको क्या कहना चाहेंगी मैम आज के दिन पे मानिया के बारे में अगर कुछ कहना चाहे. उसके लिए कुछ लगती ही नहीं है, हर माँ ऐसे मान्या पैदा करे, हर बेटी अपनी माँ का नाम रोशन करे. और आज के अवार्ड का जो सरप्राइज दिया है मान्या ने, उसके बारे में वो तो मैं सोच भी नहीं सकती क्योंकि इतना ही इन्होंने मुझे सेटअप किया है. इनको नहीं पता था, इनको लगा था कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है, तो शी वॉज वेरी हैप्पी और रेडी होके आई. बट फाइनली शी गॉट टू नो, मेरा प्लान था कि स्टेज पे बताऊंगी, बट यू गाइस आस्क्ड मी राइट नाउ, तो ठीक है बताना पड़ा. बट आपको मिल रहा है अवार्ड. और कितना कितना इमोशनल मोमेंट है मदर, आपको तो बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले लेकिन मदर को आज अवार्ड मिल रहा है, आप कितने इमोशनल है इस बात को लेकर. मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल के साथ साथ खुश भी हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत किया है, सेक्रीफाइसेस बहुत किए हैं, आज भी वो करती हैं, उतनी ही मेहनत करती है जितना मैं नहीं कर पाती हूँ, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है. और मुझे अपनी लाइफ में कुछ भी करना रहता तो मैं पहला लोग अपनी मम्मी को देखती हूँ और फिर वो बोलती हूँ अगर इफ़ शी कैन डू इट व्हाई कांट आई, तो ये मेरी इंस्पिरेशन है. और आज उनको एक अवार्ड मिल रहा है मेरे सामने, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड इमोशनल. जब इंसान होता है तो ओवरवेलमिंग भी होता है, तो आई कांट एक्सप्रेस, बट आई एम सुपर हैप्पी टू बी हियर टुडे एंड स्पेसिफिकली आई कांट वेट टू सी दैट अवार्ड इन हर हैंड, उनके हाथ में देखना है मुझे. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. तो आप जिसको सपोर्ट करते हो बढ़ता ही आगे, लेकिन आपका सपोर्ट कम पड़ रहा है. ठीक है, आपका सपोर्ट कम था, आपका सपोर्ट कम था इसलिए कांग्रेस जीती है. गाली गलौज फिल्म आ रही है, ओटीटी पर जरूर देखेंगे, स्टैंड अप कॉमेडी की फिल्म है. और इस अवार्ड को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे प्यारे मित्र कुणाल और पूरी टीम को जिन्होंने मुझे अवार्ड दिया इस लायक समझा. वक्त जानो ऐसे हो सालो सुपर मॉम का मॉम के आशीर्वाद से मुझे मिला है. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चारों कौम सदा आगे बढ़ेगी क्योंकि उनके साथ है उनकी मॉम. बाकी पत्नी को कहना चाहूंगा और पति को कहना चाहूंगा, पत्नी बिचारी है द केरला स्टोरी और पति बिचारा है द कश्मीर फाइल. कर्नाटक जो जीता है मैं इसको धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो हमारी वोटर्स को धन्यवाद करना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने इतनी पदयात्रा की कि कर्नाटक में जो है उनको जिता दिया. तो हमेशा वॉक किया करो, वॉक से फायदा होता है. देखिए भैया बीजेपी को टाटा धन्यवाद, गुड बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय. और मुझे मिली कर्नाटक में जीत क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है और बहन भी है, इसलिए बीजेपी की माँ और बहन का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा. मत रहो अगले साल मैं आपको पार्टी दूंगा और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबको और इस अवार्ड फंक्शन को और मातृत्व दिवस को शुभकामनाएं मान्यवर और मान्यवधु. आप माता के आशीर्वाद से बादशाह बनिए, शहंशाह बनिए, मैं तो कहता हूँ अमित शाह बनिए. धन्यवाद. क्योंकि अमित शाह और माता दोनों ही गृह मंत्री होती है. गाली गलौज फिल्म जरूर देखिएगा और So beautiful to come all the way far from Italy tonight to get this beautiful award of Bollywood opera, because I'm the creator of pioneer of this beautiful genre that I got inspired in India itself.
So I'm so happy to be in this beautiful landscape of India, and I'm very spiritually connected to India because I'm very close to Indian spirituality, and that's inspired me a lot to create this genre here. So this event has been very lovely, and I thank all the beautiful Indian folk for such a beautiful welcome to this Italian person with an Indian heart. Hi, this is Urmita Ghosh. I am 21 year old. I am the beauty conscious and I already do something T-series album. Thank you so much. I'm a model and I'm actress. I already some do T-series album song, and my name is Urmita. Thank you so much. Thank you. Any of your upcoming projects you'd like to share? Yeah, I already some musical Nirvana, and I already some my song is coming in T-series Hindi. Thank you so much. छोटे से ही छोटे बच्चे लोग को सिखाना बहुत मजा लगता था, जो फ्री ट्यूशन जो बच्चा लोग को फ्री ट्यूशन जिसको हो सकता है वो करे, और मेरे साथ में मेरे बच्चे लोग को भी पढ़ाई, अभी सब जो पढ़े हैं मेरे पास सब लोग बड़े बड़े पोजीशन में हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम प्राउड, थैंक गॉड, दैट्स माय सुपर मॉम. So all moms are super because they have to see their children, no? So it is the duty. So, thank you very much. So आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे. इट्स अ प्राउड मोमेंट बिकॉज आज इतने ऑस्पिशियस डे पे हमें इतना ब्यूटिफुल अवार्ड मिला है, एंड इट्स नॉट ईजी टू प्ले द रोल ऑफ मदर. मदर्स एक माँ एक ऐसा शब्द है कि जो अपने आप में भरपूर है और पूरी दुनिया है बच्चों के लिए. एंड मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे दो बच्चे हैं अनन्या एंड गणन्या, दे आर 25 एंड 24 ईयर ओल्ड. तो मुझे पता है कि इट वॉज नॉट ईजी टू ग्रो देम अलोन, बट आज इतने प्यारे दिन में इतना प्यारा अवार्ड मिलना, आई वुड लाइक टू से थैंक यू होल हार्टेडली टू कुणाल ठक्कर माई फ्रेंड एंड अनुषा माई फ्रेंड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड एक्नॉलेजिंग. And the anchor Abhinandan, come. So, we love Gopi ji. I'm a stage cynical guy, and for thanks bolne ke liye, she's a sweetheart. She's a gem of a person. Thank you. Thank you. So Abhinandan और मैंने PTC पंजाबी जब मैं Miss Punjab जज कर रही थी तो उसमें Abhinandan was hosting the show. So बहुत ही अच्छा experience था. Abhinandan is an amazing host. I love you. Thank you so much, ma'am. And I love Gurpreet ji, such a gem, and she's ever green and ever gorgeous. Thank you. Thank you. Okay. The luck and love in this world, so that they can go out from the pageant and. आप हमारे मीडिया भाई हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारे लिए सुबह से खड़े हो आप. Thank you very much. और कवर हमारे हर इवेंट पे आप आते हो. संडे के दिन इतना बड़ा दिन छोड़ के आप अपनी नींद खराब करके आए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच. फर्स्ट ऑफ ऑल अब दिस वाज अ सुपर मॉम अवार्ड्स व्हिच वी हैव जस्ट फिनिश्ड टुडे. सुपर मॉम में आज मदर्स डे है, तो जो मदर्स होती है हर किसी कलाकार या हर किसी प्रोफेशनल को, जब वो आदमी जो आगे बढ़ता है उसको बढ़ाने के पीछे उसकी मेहनत के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो लोग भूल जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी मॉम, जो उनकी मदर है जो सबसे ज्यादा रोल करती है, उसको हम फेलिसिट कर रहे हैं यहाँ पे आज मदर्स डे के दिन. सो ये बहुत बड़ा दिन है जिसके दिन हम मदर्स डे को फेलिसिट करते हैं. ये हर साल हम मदर्स डे के दिन वी लुक फॉर ऑल मदर्स वेयर वी कैन फेलिसिट देम. थैंक यू वेरी मच एंड विश यू हैप्पी मदर्स डे. दिस इज द हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू गाइस. हाय नाउ गाइस दिस इज वन शो व्हिच इज ऑलरेडी ओवर. अब दूसरा चालू होने वाला है हमारा बोल्ड एंड ब्यूटीफुल इंडिया 2023. दिस इज सीजन वन. इसमें हमारे पास
ब्यूटी कॉन्टेस्ट है जिसमें मिस कैटेगरी टीन और किड्स भी है और मिसेस कैटेगरी भी है. सो अब ये चालू होने वाला दो राउंड्स है, फाइनलिस्ट लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, अब उनका क्राउनिंग भी होगा आज. प्लस वी हैव बोल्ड एंड ब्यूटीफुल अवार्ड्स जहाँ पे गुड लुकिंग एक्ट्रेसेस, फिटनेस और जो जो नया अपने आप को बॉलीवुड में कुछ कर रहे हैं या कुछ जो मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स में जो पार्ट ले चुके हैं और जो विनर भी हो चुके हैं, लाइक अवर जजेस, हमारे एक जज इज ऑलरेडी विथ अस, सी इज अ फेमिना मिस इंडिया विनर. और हम एज अ इवेंट्स फैक्ट्री वी कीप मल्टीपल डिफरेंट इवेंट्स, जिस इवेंट्स में हम कुछ अलग टैलेंट या अलग अवार्ड लाते हैं जिसमें हम कुछ अच्छा कर सके और कुछ लोगों को फेलिसिट कर सके, उनको एक प्लेटफॉर्म दे सके और वो हमारे हम उनको एक प्लेटफॉर्म देके उनको आगे बढ़ा रहे हैं. और अभी इस इवेंट में बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में एक ब्यूटीफुल अच्छा सा इवेंट हो रहा है जिसमें मिस मिसेस और किड्स को हम ट्रेन कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं. अब उनका फाइनल राउंड है जो फाइनली जो सिलेक्ट हुआ है और आज बहुत ब्यूटीफुल जो भी होगा, जो टैलेंटेड होगा वो क्राउन ले जाए. एंड माई सन इज ऑल्सो हियर एज ए एक्टर, इज वर्किंग अनुशील चक्रवर्ती एज अ वीडियो एल्बम इज देयर ऑल्सो एंड वन मूवी आई एम प्रोड्यूसिंग वन मूवी ऑल्सो दिस ईयर दैट लव यू जिंदगी एंड माई सन इज द एक्टर इन दैट मूवी. एंड ऑफ दिस ईयर आई थिंक सो सेप्टेम्बर अक्टूबर इट विल बी रिलीजिंग. बहुत हैवी है और मैंने पहली बार इतना बड़ा हैवी वेट अवार्ड देखा है, तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत पावरफुल है, काफ़ी वेट है इसमें. एंड मेरी प्रोड्यूसर मैम है साथ में, विनायका कोहली मैम, एंड उनके साथ मुझे ये अवार्ड मिला है. और भाभी जी घर पर है, हमने पप्पू और भाभी जी के लिए अवार्ड लिया है उन सबके बिहाफ पर, पूरी टीम के बिहाफ पर. सो या इट्स अ ग्रेट फीलिंग. मैम आप क्या कहेंगी? ये अवार्ड मेरी टीम का है, मेरी टीम की मेहनत से मुझे ये अवार्ड लेने में आई हूँ सिर्फ, लेकिन ये मेरी पूरी टीम का अवार्ड है. एंड कंग्रेचुलेशंस टू भाभी जी घर पे है एंड हप्पू की उल्टन पलटन, दैट मेक्स मी द सुपर वुमन टुडे. यस, सो इट्स अ सुपर फीलिंग एंड थैंक यू सो मच. यू गाइज आर रियली सुपर्ब, आप हमेशा रहते हैं हम लोगों को एनकरेज करने के लिए. एंड मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स आपको भी मिलने चाहिए. थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर जर्नी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. माँ है तो हम है, बिल्कुल हमारी माँ नहीं होती तो हम नहीं होते. माँ से शुरुआत होती है जीवन की, माँ पर ही जीवन का. आपने इतनी सारी मूवीज बनाई हैं, माँ को कैसे देखते हैं आप, क्या सोचते हैं और कैसे उनका क्या विवाचना करेंगे? मेरी पर्सनल लाइफ में माँ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा है, इसलिए जो आप देखेंगे मेरी what I'm writing at the moment. My first film is going to be about the mother. Very nice. बहुत बढ़िया. तो concept क्या है basically? It's a mother and son relationship. It's an emotional relationship between mother and son. Yes. तो आज जो मदर्स डे है, क्या बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को, अपने viewers को, अपने? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि never take granted your mother. Never. वो बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि वो नसीब वाले हैं जिनके जिनकी माँ जिंदा है, जिनके पास माँ है. हमसे पूछिए, हमारी माँ नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू ही पता है. It feels great to be called a superwoman, to receive an award as a superwoman. The more motivation, the more inspiration we receive, the more you feel like performing, working harder, doing something to change society, giving back to society. I think it's a great feeling. And in India especially, where it is still a patriarchal society, I feel it's very important to give that impetus, to give that respect to women. And what better day than Mother's Day to felicitate and give that honor to women who are mothers, who are daughters, who are nurturers and who are child bearers. So I feel it's important. Also, the workforce in India needs more women. For the GDP to go higher, for us to become world players. We are hosting the G20. In a year like this, to honor women is very important, and to include women and give them better provisions in the workplace. Thank you. What does a superwoman mean to you in a line?
सुपर वुमन टू मी हाँ जी आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर टुडेज इवेंट. आज मेरी मम्मा भी आई हैं और हमेशा ऐसा होता है अवार्ड फंक्शन में कि सिर्फ हमें अवार्ड मिलता है, लेकिन ये एक ऐसा अवार्ड फंक्शन है जहाँ पे मम्मा को भी अवार्ड मिल रहा है. आई एम सो हैप्पी कि मम्मा की जो मेहनत